एवरीवन, आई एम प्रियांशी फ्रॉम जय महाराज आईडी फोकस प्राइवेट लिमिटेड और आज मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जर्मनी के बारे में. सो गेट रेडी टू नो द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द जर्मनी स्टूडेंट वीजा. सो सबसे पहले जर्मनी जाने के लिए आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है. ना ही सिर्फ जर्मनी पर आप कोई भी कंट्री जाना चाहते हो इंटरनेशनल स्टडीज के लिए, ओवरसीज स्टडीज के लिए, तो पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट तो सबसे पहली रहती ही रहती है. पासपोर्ट के अलावा आपको IELTS देने की रिक्वायरमेंट भी रहती है. आप ये मत सोचो कि आप जर्मनी जाना चाहते हो तो आपको IELTS नहीं देनी पड़ेगी, पर IELTS इज एन मैंडेटरी एग्जाम टू गेट द एनरोलमेंट इन अ गुड यूनिवर्सिटी इन जर्मनी. तो अगर आप IELTS देके वहां पे जाते हो तो आपको कोई भी अच्छा सा कोर्स भी इजीली मिल सकता है और अच्छी सी यूनिवर्सिटी भी वहां पे मिल सकती है और स्कॉलरशिप के भी चांसेस आपको वहां पे रहते हैं. तो अगर आप IELTS करना चाहते हो तो आपको उसमें भी पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती ही है. सो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट बोली पासपोर्ट के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन होल प्रोसेस दैट इज गेटिंग रेडी ऑफ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स. तो जैसे ही आप अपना IELTS स्टार्ट करते हो उसके साथ ही में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना भी स्टार्ट कर देना है. सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है ट्रांसक्रिप्ट के लिए और साथ ही साथ आपको LOR के लिए भी अप्लाई करना है. LOR दैट इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिलेगा. एक आपको प्रिंसिपल का लेना रहेगा और एक आपको कोई फैकल्टी के भी आप ले सकते हो. स्टूडेंट्स, तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है वैसे ही आपको एक और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है जर्मनी के लिए, वो है APS सर्टिफिकेट. तो ये APS सर्टिफिकेट जो है वो आप अप्लाई करने के बाद 1 से 2 महीने के बीच में आता है. तो ये भी ध्यान में रखिए कि अगर आप जर्मनी प्लान कर रहे हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट के लिए भी अप्लाई करना रहेगा. जैसे ही सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो जाते हैं आपको यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन करनी है. यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के बाद आपको 2 से 4 वीक तक वेट करना है ऑफर लेटर के लिए. पर अधिकतर केसेस में ऑफर लेटर जल्दी भी आ जाते हैं, पर आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 वीक्स की रखनी है. जैसे ही आपके सब डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन कर देते हो, आपके ऑफर लेटर आ जाता है, तब आपको करना है ब्लॉक अकाउंट. जैसे हम कनाडा में GIC करते हैं वैसे ही जर्मनी के लिए ब्लॉक अकाउंट करना रहता है. उसकी भी प्रोसेस 2 से 3 वीक तक की है. तो ये सब होने के बाद आपको वीजा की एप्लीकेशन करनी है. वीजा की एप्लीकेशन जब आप करोगे फिर आपको मिलेगा एक अपॉइंटमेंट के लिए नोटिफिकेशन. वो जो आती है उसमें लिंक रहती है. वो लिंक आने के बाद आपको वहां से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है VFS के लिए. फिर आपको जाना है VFS में, बायोमेट्रिक्स देना है और फिर आपको वेट करना है अपने डिसीजन आने तक. जैसे ही आपका डिसीजन आता है आपको फिर से ईमेल आएगा कि आपको पासपोर्ट भेजना है. फिर आप पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट लेनी रहती है VFS में. तो अगर आपको वो नहीं करना है तो अगर आपने प्रीमियम सर्विस ली हुई है तो आप डायरेक्ट ही VFS में जाके अपना पासपोर्ट दे सकते हो. उसके बाद फिर से आपको वेट करना रहेगा पासपोर्ट डिस्पैच होने तक के लिए. जैसे ही आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो जाता है आप अपनी टिकट्स बुक करवाने के बाद अपना ड्रीम कंट्री जर्मनी में इजीली ट्रैवल कर सकते हो. थैंक यू. बने रहिए जय महाराज के साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए. और अगर आपको जर्मनी के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कैसी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कॉन्टेक्ट अस. थैंक यू.